अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन अडाबू। ये देखिए, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अडाबू बनेंगे। ये मेरे पास में हाफ़ के जी बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने धो लिया था और धो के जाली में रख दिया है। पानी पूरा अच्छे से निकल गया है। और ये हमारे पास में है एक कप पत्ता गोभी, जिसको मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है। और ये लंबा सा एक शिमला काट लिया, आधा शिमला है हमारे पास में ये। और ये मेरे पास में कुछ दो सूखी मिर्ची है, और ये एक स्टार फूल है मेरे पास में, ये देखिए। और ये मेरे पास में सैलरी है, ये सैलरी के पत्ते हैं, इनको इनकी ये ऐसे चॉप कर लिया है बारीक। ये देखिए, इस तरीके की सैलरी दिखती है ये। ये एक कप हरा प्याज है मेरे पास में, इसको मैंने धो के बारीक काट लिया है, इसमें पानी ज़रा भी नहीं है। ये मेरे पास में कुछ 6-7 हरी मिर्ची है, जिनको मैंने 20 से काट लिया है, चीरा मार लिया है पूरी तरीके से। और आप मिर्ची जितनी अपने हिसाब से डालिए, लेकिन इसको जो है स्पाइसी ही बनाने का तो ही अच्छा लगता है ये। और ये मेरे पास में एक कप गार्लिक है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास में चिल्ली सॉस है, ये देखिए, एक बड़ा चम्मच चिल्ली सॉस है। ये एक टीस्पून मेरे पास में विनेगर है, वाइट सिरका। और ये मेरे पास में सोया सॉस है, एक बड़ा चम्मच। ये मेरे पास में वाइट पेपर पाउडर है, एक चम्मच। ये मेरे पास में एक चम्मच नमक है। ये मेरे पास में एक अंडा है। और ये मेरे पास में मैदा है। और ये मेरे पास में कॉर्नफ्लोर पाउडर है। चलिए फिर बनाते हैं। ये देखिए, मैं इसके अंदर ये इतना मैदा डाल रही हूँ, 1/4 कप। इसका हाफ मैंने ये कॉर्नफ्लोर डाला है। इसके अंदर मैं ये देखिए नमक डाला है 1/2 चम्मच। ये इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालूँगी, वाइट पेपर। फिर उसके अंदर मैं ये एक अंडा ऐड कर दूंगी और सबको मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, काफ़ी सूखा है इसके लिए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है सब आटा वाटा उसमें। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए एक साइड में रख दूँगी, बाद में मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। तेल गरम हो गया है हमारा, हमने पैन में तेल डाल दिया था। ये तेल गरम हो गया है और मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैं इसमें ये चिकन जो मैंने मिला के रखे थे मसाला आटा, और ये फ्राई कर लूँगी मैं। तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे स्लो पे, इनको स्लो पे ही कीजिएगा, क्योंकि चिकन अच्छे से अंदर पक जाना चाहिए। ये देखिए, मैंने चिकन को स्लो पे रखा था, अच्छे से फ्राई हो गई है हमारी चिकन। इस तरीके से आप भी फ्राई कीजिएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम निकाल लेंगे इनको। अभी मैंने फ्लेम है ना फास्ट कर दी है, क्योंकि काफ़ी देर से अंदर से पक रही थी। अब हो गई हैं चिकन हमारी। ये देखिए, ये इतनी चिकन मेरी फ्राई हो गई थी, इनको मैंने निकाल लिया था। इस तरीके से इनको फ्राई करना है, और बाकी की भी चिकन अभी फ्राई हो रही हैं हमारी। ये देखिए, ये बाकी की चिकन फ्राई हो रही है, ये भी हो जाएंगी अभी ब्राउन कलर की। और हमें आपको अच्छा लगे हमारा चिकन अडाबू तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग ज़रा भी कंजूसी मत कीजिए और देखिए, ज़रूर आप ट्राई ज़रूर कीजिए, और बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए, हमारी सब चिकन फ्राई हो गई हैं। ये पैन में मैंने वो तेल खाली कर दिया था, अलग बर्तन में बाकी का तेल निकाल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा तेल रोक लिया है, और इसी में ही हम बनाएंगे ये स्टार फूल।
और ये दो सूखी मिर्ची हम ऐड करेंगे, इसमें डालेंगे। ये देखिए इसी में ये गार्लिक डाल दूंगी मैं, दो तीन मिनट। ये इसमें ये चिल्ली डाल देंगे हम, इसके अंदर ये शिमला मिर्ची डाल दूंगी मैं, ये ऐड करूंगी इसके अंदर। ये इसमें मैं पत्ता गोभी ऐड करूंगी। ये इसके अंदर मैं सोया सॉस डालूंगी, ये विनेगर डालूंगी, वाइट विनेगर। ये वाइट पेपर पाउडर डालूंगी मैं इसके अंदर। ये देखें इसको थोड़ा पका लिया है, दो तीन मिनट के लिए मैंने। फिर इसके अंदर मैं ये चिकन ऐड करूंगी। इसको मिक्स करूंगी फास्ट फास्ट एकदम। इसके अंदर ये मैं सोया सॉस डालूंगी। ये सैलरी मैंने कट की रखी थी वो डालूंगी। इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। सबको मैं मिक्स करूंगी। ये देखें इसको फास्ट गैस पे मुझे चलाते रहना है कंटिन्यू। और ये मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसको मैंने पानी में घोल लिया है थोड़ा सा, मैं आपको बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। और फिर उसके बाद में मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी हल्का सा। ये हमारा चिकन अडाबू रेडी हो गया है, उसके अंदर मैं सेट करूँगी। तो देखिए अच्छे से एक दो मिनट के लिए हमको चलाना है और गैस को फ्लेम को ऑफ कर देना है मुझे। इसमें मैंने एकदम फ्रेश ताज़े हरे प्याज मैंने आपको बताया था चॉप करके रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। ये देखिए रेडी हो गया है हमारा चिकन अडाबू, आप ज़रूर खाइएगा, बनाइएगा इसको, बहुत ही टेस्टी स्टार्टर है। आप हमारे नए स्किन केयर प्रोडक्ट पेज को फॉलो कीजिए बरियाल ग्लैमर।